मन के आगे जीते और मन के आगे हारे। अगर आप एक बार सोच ले कि आपको कुछ करना है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, आपकी सोच के ऊपर ही आपके सिलेक्शंस रहेंगे। आज मेरे साथ है महाराष्ट्र से आए हुए कुछ पेरेंट्स। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र से आकर आखिर इनने सिमरन जो कि अभी महाराष्ट्र पुलिस की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। पहले तो बहुत आपको मैं ये बोलूंगा कि आपकी बच्ची ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, वहां से महाराष्ट्र से यहाँ तक आपने पहुंचाया है, इसके लिए आपको पूरी मतलब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया आपकी बेटी को लेकर। बेटा सिमरन कैसे क्या आया दिमाग के अंदर कि 4 एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए, आप महाराष्ट्र से छोड़कर यहाँ आए, थोड़ा सा आप बताइए कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे आपने यहाँ पर सर्च किया? सर मैं प्रॉपर तो महाराष्ट्र में रहती हूँ, लेकिन मेरा 10th से एक सपना था कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो मतलब तमाम खुशियाँ दाव पे लगा के मतलब कुछ करेंगे तो कुछ काम आएंगे आगे जाके, लाइफ में तो बाकी कुछ रखा ही नहीं है ना। बराबर, लाइफ में कुछ रखा नहीं है, तमाम खुशियां दांव पे लगाकर बच्ची ने डिसीजन लिया है कि मैं कुछ करूं देश के लिए, तो इसके लिए ये यहां पर आज आए हैं। पहले तो इनके पेरेंट्स से जानते हैं कि बच्ची का कैसा क्या रुझान है इस ओर, और आपने कैसे इसको परमिशन दे दी यहाँ आने की? नहीं, बच्ची हमारी देखिए इसमें इतना टैलेंट है कि ये एक बार ठान ले तो ये कर लेगा, मेरे को 100% विश्वास है, क्योंकि मैं बच्चे से बड़ा किया इसको, और इनकी एक थिंग था कि पापा मेरे को करना है और मैं इनका फुल सपोर्ट हूँ, मेरी बच्ची कर लेगा बिल्कुल, देश के लिए करेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, मदर से काफी प्रेम होता है लड़कियों का, तो आप भी थोड़ा सा बताइए सिमरन कैसे क्या व्यवहार में कैसा क्या है इसके घर पे, और अभी तक ये डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहती है, तो ये क्या सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती है और यहाँ पर कैसा क्या रहा है इसका? जो सोचेंगे ना मेरे को जाना है, और रात भर सोती नहीं है, मतलब वही सोच रखेंगी मेरे को जाना है, तो 5 बजे जाना तो 4 बजे वो उठ जाती है। मैं हृदय से आपकी सोच को सम्मान करता हूँ, और आपके लिए जो पेरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, देखिए बिटिया आपकी है, आपके विश्वास पर आप उन पे बिलीव करें, क्योंकि आप ही ने उन्हें बड़ा किया है। बस लड़कियां इतना अपने माता पिता को विश्वास दिला दे कि मैं ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक यहाँ पर तैयारी करूंगी, तो डेफिनेटली हर पेरेंट्स आपकी बात मानेंगे। आप देखिए सिमरन इतनी दूर से आई हुई है और इनने एक फाइनल डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो माता पिता आपके साथ देते बिल्कुल देते। काफी सारे लड़के और लड़कियों को यही क्वेश्चन रहता है सर कि हमारे माता पिता इतनी दूर नहीं पहुंचाएंगे, तो आप उन माता पिता के लिए क्या बोलेंगे? आपने यहाँ का जो माहौल देखा है, एकेडमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, मेरे को अच्छा लगा, और मेरे को 2 मिनट ही लगा मेरे को डिसाइड करने की मैं लड़की आपके हवाले छोड़ के जाऊंगा, जरूर 100% कुछ ना कुछ। अच्छा, उन माता पिता से क्या बोलेंगे जो बच्चे बच्चियां यहाँ पर पहुंचाना चाहते हैं, उनसे उनको क्या मैसेज देंगे, उन्हें यहाँ पर पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? देखिए यदि बच्चे में लगन है तो इधर उधर कहीं भटकने से अच्छा, मेरे को तो सबसे बढ़िया, मैं भी बहुत जगह देखा हूँ, बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह इंटरव्यू भी हुआ, हमने मिले सर लोगों से, लेकिन मेरे को जो हिसाब से यहाँ का माहौल और जो हिसाब से यहाँ का वातावरण मेरे को बढ़िया लगा यहाँ का जी। बच्ची को एकदम समझिए कि वो कभी ऐसा मन में नहीं लगेगा कि मतलब मैं थोड़ा सा फील करूं या घर से बाहर हूं। देखिए दोस्तों, ये तो हुए इनके माता पिता, साथ में इनके ब्रदर हैं। ब्रदर से भी थोड़ी बहुत जानते हैं कि ट्विनिंग, क्योंकि भाई बहन की ट्विनिंग काफी अच्छी होती है। थोड़ा सा आप इनको बताइए, आपकी सिस्टर के साथ में आपका क्या सपोर्ट रहा यहाँ पहुंचाने के लिए, क्योंकि जनरली आपसे ही पहले डिस्कस किया होगा, क्योंकि बहन की पहले सबसे पहली जो बातचीत होती है वो भाई से होती है, और भाई कहीं ना कहीं मैसेज देता है माता पिता को, और उनके दोनों के मेल जोल से आपने यहाँ पर पहुंचा है, तो कैसा क्या आपके साथ में सिमरन ने क्या बातें शेयर करी? शादी नहीं करना है, अभी शादी नहीं करना है, नौकरी करना, कुछ बन जाए खुद ही कर लेना, फिर अपनी मर्जी से, बच्चे की खुशी से सब कुछ है। बराबर, मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि हमारे देश के अंदर ऐसे माता पिता, हर एक माता पिता ऐसे ही होते हैं, बस आप बच्चे अच्छे बन के रहिए, हर माता पिता आपका साथ देंगे। आप उनको कन्विंस कैसे करें, बच्ची सिमरन आपके सामने बैठी है, आप उनको पूरा विश्वास में लाइए, उनको यकीन दिलाइए कि मैं कहीं पर जा रही हूं तो 100% सिलेक्शंस लेके आऊंगी। बस आप इतना कर लीजिए, आपके माता पिता आपके गुरुजन आपके साथ रहेंगे और सिलेक्शन एक दिन जरूर आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी सिमरन जो कि महाराष्ट्र से आई हुई थी, बिहार इनका मूल निवास है, बिहार के रहने वाले हैं, इतने दूर से जब ये आ सकते तो आप भी आने की सोच सकते अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो।
बस अंत में एक ही बात बोलेंगे कि सम्मान पूर्वक हमारे भारत देश की नारी जो आगे बढ़ना चाहती है उनको आगे बढ़ने दीजिए, आप उनके आगे बढ़ने में हेल्प जरूर करें। जय हिंद।